तो भाई विजिट करके मैं पहुंच चुका अपनी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में आप देख सको क्या गजब नजारा हो रहा है भाई। चार ओर पेड़ ही पेड़ है, मतलब सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है हरी भरी, मतलब कि कोई हर मॉल भी फेल है भाई। आप अपनी नजर से देखो क्या जोर का नजारा है, मतलब क्या कसू तो लठ गाड़ रहा हो, सीधी बात तो भाई यू है। देखो भाई मैं यहाँ में ही जॉब करूँ भाई, सिमनाडे यूनिवर्सिटी है, जो हमारा छोटा मोटा सा गोल चक्कर है। अरे यार गोल चक्कर कोई मोन तो ना, मैंने अपनी बाइक खड़ी करके भाई यू लौंडा मेरी पार्ट में खड़ा हूँ। मैंने यहाँ से वो हाई हेलो करके क्या हाल भाई, अरे कहे कि मैं चलते अपने ऑफिस में। यू हमारा जी ब्लॉक भाई, इसके अंदर हमारा ऑफिस है। फिर हमने भैया अपने ऑफिस का गेट खोल कर अंदर मन के लिए पंचिंग कर दूँ। मैंने कहा अभी हमें कहा पंचिंग करूँ, 12 तो बजी रही है, इतनी लेट आया हूँ। अब फिर वहाँ के बाद में भाई देखो आप हमारा ऑफिस देख सको अंदर से। देख भाई बिल्कुल मौज मौज याद है। ये हमारे भैया नौज के पड़े पड़े कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं, फिर इनसे भाई से रोम रोम कह के हम सब की डेस्क है। आप देख सको ये हमारा ऑफिस है सारो। अरे देखो ये थारे भाई की डेस्क है, बढ़िया मलुक फोटो लग रहे हैं ना, मलुक देख रहा हूँ ना इनमें। ये मैंने हरे भरे पेड़ बो रखे नौज के दो चार भाई, क्योंकि लंच का टाइम है, सारा ऑफिस खाली पड़ा है, कोई भी नौ है इस टाइम नौज के। ये हमारी मैम है, हम सब की बॉस। और भाई फिर हम ऑफिस ख़त्म करके रात का टाइम हो लिया, मैंने कि अब चला घर को। तो भाई घर को चल कर बारिश हुई थी, मौसम भी गजब को हो रहा है भाई। फिर मैंने जाकर अपनी बाइक ली, और भाई बाइक ली तो नौज का देख भाई पानी पानी भर रहा। अब भैया बाइक नौ से उठाया का, भैया हम चलते अपने घर को। ये पता ना गाँव के गेट पर कौन चोरा मोरा से डोल ले इन थैला से उठाया का। फिर भैया इन सुनी मटने के बाद भैया हम गाँव में आए, और गाँव में आने के भाई ये घर में ये खड़ी मेरे स्वागत को, इनने मेरा अच्छे स्वागत करो। और भाई आज मैं फिर